आपको बताएंगे ठोकर न्याज बेग में इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी में पासिंग आउट रेट का इनेकाद किया गया है। बड़े भाई ने अपने हाथ सबके सर पर रख दिया है। ये अच्छी बात है कि खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के लोग यहाँ आके ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। ये जो आज मैं देख रहा हूँ, यकीन करें मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि ये आम लोग हैं जो यहाँ 5 महीने की ट्रेनिंग लेकर कमांडोज बन गए। रियली मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और मुझे आज तक इसका भी इलम नहीं था कि रेस्क्यू 1122 के जो लोग ट्रेन होते हैं वो किस तरह की ट्रेनिंग लेते हैं, क्योंकि मैंने कमांडोज की ट्रेनिंग देखी थी। आज जो इस मंजिल से कूदते हुए उस नौजवान को देखा, मेरा तो सर चकरा गया। आज सबके सर पर रख दिया है। ये अच्छी बात है कि खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के लोग यहाँ आके ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। ये जो आज मैं देख रहा हूँ, यकीन करें मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि ये आम लोग हैं जो यहाँ 5 महीने की ट्रेनिंग लेकर कमांडोज बन गए। रियली मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और मुझे आज तक इसका भी इलम नहीं था कि रेस्क्यू 1122 के जो लोग ट्रेन होते हैं वो किस तरह की ट्रेनिंग लेते हैं, क्योंकि मैंने कमांडोज की ट्रेनिंग देखी थी। आज जो इस मंजिल से कूदते हुए उस नौजवान को देखा, मेरा तो सर चकरा गया। मैं यकीन करें कि ये इससे हमारे जिस तरह उन्होंने कहा। ठोकर न्याज बेग में इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी में पासिंग आउट रेट का इनेकाद किया गया है, जो मनाजिर आप मुलाहिजा कर रहे हैं।